बंद रोड कॉरिडोर 33 गले की हड्डी बन गया। वज़ीर-ए-आला की डेडलाइन में 8 रोज बाकी रह गए। एस्फॉल्ट कारपेटिंग ड्रेनेज सिस्टम अभी तक मुकम्मल ना हो सका। LDA इंजीनियरिंग विंग फंड देते थक गया। मतलूबा नतायज ना मिले। 33 के तकमील शुदा कामों के फंड भी दे दिए गए। तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब 37 करोड़ मंसूबों। चुबुर्जी गार्डन में रिहायशी बिल्डिंग की तामीर के लिए 1 अरब 49 लाख मंजूर। पंजाब की जेलों में इजाफी मल्टी स्टोरी बैरक्स की तामीर के लिए 47 करोड़ 61 लाख मंजूर। चेयरमैन PNG नबील अहमद ने इजलास की सदारत की। लाहौर के अस्पतालों को तरक्याती फंड्स की मद में 2 अरब जारी। सर्विसेज अस्पताल को 400 मिलियन रुपए दिए गए। बजट से अस्पतालों की रिवैम्पिंग होगी। नई मशीनरी खरीदने समेत दीगर तरक्याती काम मुकम्मल करवाए जाएंगे। सरकारी यूनिवर्सिटीज का खसारा 21 अरब को छू गया। UET लाहौर 1 अरब 41 करोड़ खसारे के साथ पहले नंबर पर। पंजाब यूनिवर्सिटी का खसारा 1 अरब 18 करोड़ रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन GCU, ITU, यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स को भी खसारे का सामना। महकमा हायर एजुकेशन की रिपोर्ट हुकूमत को पेश। IMF का शिकंजा मजीद कसने लगा। 6 लाख से ज्यादा आमदन वाले किसानों पर भी इनकम टैक्स लगेगा। किसानों पर 33 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने प्लान हुकूमत को पेश कर दिया। महकमा खजाना पंजाब हुकूमत को टैक्स की स्लैब्स पेश कर चुका है। नॉन फॉलर्स के गिर्द घेरा तंग। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर 200% इजाफी टैक्स देना होगा। रिटेलर से एडवांस टैक्स की 2.5% कटौती होगी। सरमायाकारी पर 35% टैक्स की कटौती की जाएगी। FBR का ऐलामिया जारी। बिलों ने मुल्क सफर पर पाबंदी। मोबाइल सिम ब्लॉक करने का अमल तेज। बिजली और गैस का कनेक्शन भी कटेगा। इंटरनेट सर्विसेज में खलल आ गया। मोबाइल सुस्त हो गए। व्हाट्सएप और फेसबुक की सर्विसेज शदीद मुतासिर रही। व्हाट्सएप पर तस्वीर वीडियोस और ऑडियो मैसेजेस की डाउनलोडिंग में मुश्किलात। पैगाम रसानी और एक दूसरे से राबते महदूद हो गए। महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के निकाले गए मुलाजमीन का एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब से वज़ीर-ए-आला हाउस तक कफन पोश रैली। GOR1 के सामने धरना दे दिया। मुजाहरीन कहते हैं 20 साल से काम करने वाले सैकड़ों मुलाजमीन को अचानक नौकरियों से फारिग कर दिया गया। मुलाजमत पर बहाली का मुतालबा। सरमायाकारी के नाम पर निजी कंपनी का फ्रॉड। गुंगे बहरे अफराद गवर्नर हाउस के बाहर सरापा एहतजाज। पुलिस मुजाहरीन को गाड़ियों में बिठाकर प्रेस क्लब ले गई। गुंगे बहरे अफराद का कंपनी मालिकान के खिलाफ एहतजाज। नुकसान के अजाले का मुतालबा। ताजपुरा स्कीम मथर अब्बास पार्क की कल से बिजली बंद। गर्मी से निढाल खातीन बच्चों और बड़ों का एहतजाज। मुजाहरीन की लेस्को सब्जवियन अमले के खिलाफ नारेबाजी। रूडा का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन। सादे गार्डन में गैर कानूनी तमीरात को तोड़ दिया गया। हमाद इंडस्ट्रियल स्कीम में भी गैर कानूनी सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा दिया गया। एंटी स्मोक मुहिम में लियाकत स्टील इंडस्ट्री के खिलाफ भी कार्रवाई। लेस्को सोफियाबाद का नूर पार्क सोसाइटी में छापा। लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। 8 मुकाम पर डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को मुलाजमी ने ट्रांसफार्मर उतारकर कनेक्शन काट दिए। बिजली चोरों को 20 लाख रुपए के बिल भी भेज दिए। उधर पंजाब पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। शहर में 17,555 मुकदमा दर्ज। 17,000 मुलजिम गिरफ्तार। मजरे से दूध पीने वाले 10 अफराद अस्पताल जा पहुंचे। मेयो अस्पताल में इलाज हालत खतरे से बाहर। MS प्रोफेसर फैसल मसूद के मुताबिक वाकया खराब दूध से बने मिल्क शेक पीने से पेश आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ट्रैफिक खिलाफ वर्जियां पकड़ेगी। धुआं फैलाने वाली हर गाड़ी की जदीद कैमरों से पड़ताल का आगाज। अब भारी जुर्माने होंगे। जदीद इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक पॉलिसिंग शुरू कर दी गई। रिटायरमेंट के करीब हजारों साथसा को लीव इनकैशमेंट अदा किया। पाबंदी के बावजूद साथसा ने 12 तनख्वाहें वसूल की। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री पंजाब ने मामले का नोटिस ले लिया। DPI एलिमेंट्री ने लीव इनकैशमेंट वसूल करने का रिकॉर्ड मांग लिया।
एडमिनिस्ट्रेटर ने अफसरान की चोरी पकड़ ली। गैर मुकम्मल शुदा और बंद मंसूबों को बजट में शामिल करने का इंकशाफ हुआ। सख्त सवालात पर दस्तावेजी तजादात का पोल खुल गया। बजट 5 अरब से कम होकर 1.8 अरब हो गया। मुतलका अफसरान को बजट फिर तैयार करने के अहकाम जारी। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ की अफसर शाही के शहाना ठाट। ब्यूरोक्रेट एक साल में 7 करोड़ रुपए का पेट्रोल फूंकर घरेलू इस्तेमाल की गाड़ियों का पेट्रोल भी सरकारी खाते से डलवाने का इंकशाफ। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के साथ हनी ट्रैप के मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने खातून समेत वारदात में मुलविस 12 अफराद को धर लिया। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया अगवाकारों ने 1 करोड़ रुपए तावान मांगा था। उधर सोशल मीडिया पर बनने वाली दोस्त को मिलने के लिए निकला जिशान लापता हो गया। 27 साल सेल्स एग्जीक्यूटिव के अगवा का मुकदमा दर्ज। डीजी एंटी करप्शन पंजाब को क्लीन चिट मिल गए। सोहेल जफर चट्टा के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। नैब रेफरेंस बंद करने के लिए तैयार राय जाज और कामरान मुमताज के खिलाफ भी रेफरेंस बंद करने का फैसला। एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर। बानी पीटीआई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का केस। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का इतराज खत्म करने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। उधर बुशरा बीबी का मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू। दरख्वास्त में FIA पंजाब पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। जलाओ घिराओ के 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा की जेल में हाजिरी मुकम्मल। सप्लीमेंट्री चलान पेश करने में ताखीर पर अदालत बरहम। जेल ट्रायल की समाप्त 29 जुलाई तक मुलतवी। गाड़ी की बैटरी खराब देकर वापस क्यों नहीं की चिश्ती। साबरी बैटरी हाउस बदामी बाग के खिलाफ डिग्री जारी। सारिफ अदालत का बैटरी की कीमत और 15,000 हर्जाना फौरी अदा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट आलिया नीलम से पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी की मुलाकात। बैरिस्टर अहमद कयूम, जस्टिस रिटायर्ड सरदार अहमद नईम, कामरान बशीर मुगल, पीर इमरान अकराम बोधला और दीगर शामिल। नौजवान मुखला की पेशावराना तरबियत समेत दीगर अमूर जेरे गौर आए। पंजाब असम्बली का अजलास बगैर मुइना मुद्द तक मुलतवी। 7 अपोजिशन अरकान की रिक्वजिशन पर अजलास से बुला लिया गया। ईवान में एक भी ना आया। TAD के लिए हाजिरी लगा कर चलते बने। हुकूमती रुकन असम्बली मालिक अरशद ने कॉरम की निशानदेही की। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरियट ने हाजिरी शीट जारी कर दी। अमीर मोहम्मद खान, मोहम्मद अहसन अली, मोहम्मद जमील इकबाल खट्टक आदि को शामिल। स्पीकर मलिक अहमद खान ईवान के बाहर बरहम कहा, एक इजलास पर कौम का 2.5 करोड़ से जायद खर्च आता है। अपोजिशन ऐवान में न आई। पंजाब असेंबली के बाहर आवामी असेंबली लगाई। नू लीग में शामिल होने वाले 16 MPs मुअत्तल कर दिए। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुच्चर की मीडिया टॉक, कहा PTI पर पाबंदी लगाने वाले अहमक हैं। 2.5 करोड़ से जायद वोट लेने वाली जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। माफिया ने छुरियां तेज कर ली। ब्राल मुर्गी का गोश्त 25 रुपए महंगा। सरकारी रेट 605 रुपए किलो तक जा पहुंचा। चिकन के दाम बढ़ने पर वज़ीर आला बरहम। जिम्मेदार इदारे कहाँ हैं। मरियम नवाज का प्राइस का तायुन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म। लेडी एचएसएन अस्पताल की अपग्रेडेड OPD का अफ्तिताह। वज़ीर आला का OPD, एंटीनेटल क्लिनिक, नर्सिंग ऑफिस का दौरा। जच्चा और बच्चा के खैरियत दरियाफ्त की ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान अजीज, जाम खान डॉक्टर महमूद आयाज हमराह थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने न्यू अस्पताल के अपग्रेडेड आई वार्ड का अफ्तिताह भी कर दिया। दोनों मनसूबे साबिक निगरान हुकूमत ने शुरू किए थे। 6 माह से फीता कटने के मुंतजर थे। गवर्नर सरदार सलीम हैदर से डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथनी नवीद की मुलाकात। अकलियतों के हकूक और बैन अलसूबाई रवाबित पर तबादला ख्याल। पास्टर दानियाल सलीम भी मुलाकात का हिस्सा थे।
वजीर बल्दियात निशान रफी के जेर सदारत इजलास, सियाहती मुकामात पर ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट सर्विसेज के अपग्रेडेशन पर बातचीत। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के जेर तमाम सेमिनार। वजीर से ख्वाजा सलमान रफी का मरीजों के लिए साफ खून के इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर दिया। आटे का बहरान टल गया। हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुजाकरात कामयाब। फ्लोर मिल्स कमीशन सिस्टम के तहत आटा बेचेंगी। आटा डीलर और परचून फरोश आटा फितेला कमीशन लेंगे। कमीशन की रकम पर विदहोल्डिंग टैक्स लागू होगा। सालाना 10 करोड़ से कम फरोख वाले रिटेलर्स आइंदा साल टैक्स देंगे। महंगी बिजली से आधे कारखाने बंद हो गए। हजारों मजदूर बेरोजगारी के दहाने पर हैं। ऐसे हालात में कारखाने नहीं चला सकते। चेयरमैन एप्टिमा पंजाब कामरान अरशद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईपीपीएस ने जो मुल्क के साथ किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। हुकूमत वादों को दोबारा तरतीब दे। लाहौर चैम्बर की सियासत में जोड़ तोड़ अरूज पर। फाउंडर ग्रुप ने पयास मियां सोहेल निसार ग्रुप के साथ इत्तेहाद कर लिया। मियां सोहेल निसार फारूक इफ्तार अब्दुल बासित की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां मिसबाह रहमान इरफान इकबाल शेख जफर इकबाल चौधरी मियां शफकत भी हमरा थे। प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप किस ग्रुप के साथ अलायंस करेगा? पायोनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की इंतखाबी हिकमत अमली क्या होगी? चैम्बर की सियासत बिजनेस कम्युनिटी में टॉक ऑफ द टाउन बन गई। नए अलायंस नई साफबंदियों का सिलसिला जारी। चीफ क्यूरेटर टॉनी हेमिंग ने जिम्मेदारियां संभाली। कजाफ स्टेडियम का दौरा, ग्राउंड स्टाफ से मुलाकात, पिचेस के हवाले से तबादला ख्याल। दोस्ताना टी20 क्रिकेट मैच सुल्तान 11 ने शाहीन क्लब को 4 विकेटों से हरा दिया। शाहीन क्रिकेट क्लब ने 7 विकेटों पे 197 रन बनाए। सुल्तान 11 ने हदफ 6 विकेटों पर पूरा कर लिया।